जब मुझे मेरे विश्वविद्यालय से निकाला गया, मेरी कक्षाओं को मुझसे छीना गया, और उसके बाद पहला ही कार्यक्रम जो बाहर निकलकर लोगों के बीच जाकर जब हमने ये फैसला लिया कि अगर ये कक्षाएं छीनी गई हैं तो अब लोगों के बीच में जाएंगे और ये देखिए कितना बड़ा सहयोग कि आज इस ऐतिहासिक कॉलेज परिसर में, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज परिसर में यहां वो मौका मिला है। तो यहां कुछ संकेत मुझे समझ में आ रहे हैं, एक नई लड़ाई शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ की यहां से शुरू हो रही है। तो मुझे यकीन है कि ये लड़ाई एक दिन असली मुकाम तक पहुंचेगी और हम उन तानाशाहों को, इस देश को बर्बाद होने से रोक करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा और खूबसूरत भारत सौंपने की मंजिल तक बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति और तमाम आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी मुझे बता रहे थे हमारे साथी कि 1863 का ये कॉलेज है। गुलाम भारत में उस तरह के तालीमी इदारे और बहुत शुरू में मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, जिससे मुझे निकाला गया, वो 300 साल पुराना कॉलेज था। वो एक जमाने में मदरसा हुआ करता था, फिर एशिया का सबसे पुराना कॉलेज के रूप में दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना गया लंबे समय तक, और फिर बाद में देश के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन के नाम पर ट्रस्ट से बनाकर उसका नाम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो वो 300 साल का इतिहास, और कुछ लोग 20-30 साल के इतिहास में ऐसा लगता है कि अमर हो जाने की ख्वाहिश की सनक में ऐसा इस देश को बनाना चाहते हैं, इसको मार दो, इसको चुप करा दो, इसको जेल में डाल दो, ये नहीं मान रहा है, इसके ऊपर बुलडोजर चला दो। और ऐसी सनक वाले लोग सोचते हैं कि वो इतिहास में अमर हो जाएंगे। इतिहास में तो हिटलर भी अमर ही है। एक शायर ने लिखा, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता। इसलिए हम इनकार करते हैं उस तानाशाही फरमानों और तानाशाही हुक्मरानों के इस तमाम तरह के काम को, और हम इस मुल्क के आम आवाम के बीच आकर कलम और किताब को बचाने की लड़ाई का आगाज करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये शिकायत बिल्कुल जायज की गई कि केवल इमारत पुरानी हो 1863 की, ये कोई इतिहास नहीं है, या मेरे कॉलेज की इमारत या उसका इतिहास 300 साल पुराना है, ये कोई इतिहास नहीं है। असल में इतिहास इस बात का है कि जब चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार था, तो इन तालीमी इदारों ने ज्ञान की रोशनी जलाई और सभ्यता को आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया। इसलिए जब ये बर्बाद होते हैं तो इसका दर्द सबसे ज्यादा हमें होता है, जिन्हें इन्हीं विश्वविद्यालयों और कैंपसों ने बनाया होता है। हम यहां कतई नहीं पहुंच पाते अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे तमाम स्कूल कॉलेज नहीं होते, और इसलिए हम चिंता करते हैं और बहुत अफसोस के साथ इस मुल्क को एक बात समझाना चाहते हैं। कल ही हमने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां इस बात की घोषणा की कि आज के दौर में सबसे ज्यादा बर्बादी के दौर में अगर कोई चीज ढकेली जा रही है तो वो शिक्षा है, क्योंकि इस शिक्षा के बर्बाद कर देने मात्र से बाकी बहुत सारी बर्बादियां बहुत आसान हो जाती हैं। एक अपड़ कुपड़ भीड़ तैयार हो जाएगी, अविवेकी भीड़ तैयार हो जाएगी, और इस तरह के विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने के संस्थान बन जाएंगे, और डिग्री चाहे आप ओरिजिनल ले लीजिए चाहे फेक ले लीजिए क्या ही फर्क पड़ता है। आज प्रधानमंत्री की डिग्री का भी पता नहीं कि वो ओरिजिनल है कि फेक है। तो ऐसी डिग्रियों में तब्दील किया जाएगा, विश्वविद्यालय
चार दीवारियों और इमारतों से नहीं बनते, विश्वविद्यालय उसके भीतर के माहौल से बनते। और आज इस देश के विश्वविद्यालयों को एटीएम मशीन की तरह एक मशीन में तब्दील किया जा रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में वो मशीनें साफ दिखेंगी। आपको ए डिग्री लेनी है तो इतना अमाउंट उस मशीन में डालिए और अपनी डिग्री प्रिंट कराकर घर ले जाइए। आपको बी डिग्री लेनी है तो आप उसका अमाउंट दूसरा होगा, उतना अमाउंट डालिए और बाकी डिग्री लेकर के घर जाइए। और नई शिक्षा नीति यही चाहती है। हमने इसका विरोध किया। लोकतांत्रिक देश में सरकार व्यक्ति चुनता है तो सरकार लोगों को रोटी कपड़ा मकान की बात करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करने की मकसद से चुनी जाती है। अब तो ये वैचारिक मंच भी है, तमाम तरह के छात्र संगठन और लोग, हम ख्याल लोग यहां पर जुटे हैं, और यहां तो समाजवादी आंदोलनों की जमीन रही है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस आंदोलन की जमीन ये रही है। और आज दुकान लगा करके अब डिग्री कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को बाजार में खड़ा कर दिया गया है, और यही नई शिक्षा नीति कहती है। ये लड़ाई जो आपने यहां हमें बुलाकर शुरू की है पटना के साथियों, ये लड़ाई किसी लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है। हमारी कोई बिसात नहीं, हम एक सभ्यता के इतिहास में एक पड़ाव मात्र होते हैं। हमसे पहले बहुत लोगों ने लड़ाइयां लड़ी होती है, तब हम यहां खड़े हैं। और आज हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, और आगे भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे सरकार समाजवादियों की हो, चाहे आरएसएस वादियों की हो। जनता के सवालों को लेकर सत्ता में भले कोई हो, जनता को हमेशा विपक्ष में खड़ा होना होगा, और आपको उनकी आलोचना करते रहना होगा कि इन विश्वविद्यालयों को बर्बाद आप करेंगे तो हम इसका भी सवाल पूछेंगे। तो ये लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये कारवां है जो चलता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही योगदान है कि मेरे अपने विश्वविद्यालय से तकरीबन 1000 लोग निकाले गए। कोई 5 साल पढ़ा के निकाला गया, कोई 25 साल पढ़ाने के बाद भी निकाल करके फेंक दिया गया, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके विचारधारा के वो गुलाम नहीं बने। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जो उनके मुताबिक नहीं हो पाया उन सारे लोगों को निकाला गया, और ऐसे लोगों की तादाद 700 800 से लेकर 1000 है। कोई नहीं बोला, सब चुपचाप सहते रहे। और इसलिए हमने ये सोचा कि इस जुल्मत के दौर में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने कहा कि हम इस जुल्म और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो हमारी भूमिका केवल इतनी है, जब भगत सिंह ने एक ही वाक्य कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो हमने कोशिश की है। और पटना के लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस जगह से वो धमाका है जो संविधान और शिक्षा दोनों को बचाने के एक जन आंदोलन में तब्दील होगा, और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो नहीं बोले क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर हम बोल देंगे तो अगली बार फिर कभी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। और हमारे साथी जितने भी वक्ता आए वो भी तो यही शिकायत कर रहे थे कि इसी परिसर में बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं बोल रहे हैं, मगर आप यकीन मानिए कहीं पीछे कान देकर सुन जरूर रहे होंगे, क्योंकि उनका दर्द यहां बयां हो रहा है। वो सुन रहे होंगे कि हां, अगर उनकी भी बात की जा रही है कि ठेके पर प्रोफेसर रखना देश की नींव में मट्ठा डालना है, हर एक शिक्षक को बेबाक होना चाहिए। इसलिए मैंने एक वाक्य लिखा कि एक डरा हुआ शिक्षक, एक डरा हुआ प्रोफेसर अपनी कक्षाओं में
ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो कक्षा से बाहर समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई कि आप डर के मारे चुप हैं, लेकिन हमें पता है कि जितने लोग इस बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि हम तो एकेडमिक परिसर में हैं, उन्हें यह बात सुकून दे रही होगी कि उनके दर्द को बयां करने वाले लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और यकीन मानिए साथियों, भगत सिंह जब अपने जुनूनी लोगों का संगठन बना रहे थे तो सैकड़ों लोग उस संगठन में नहीं शामिल थे, चंद लोग थे जो उंगलियों पर गिने जा रहे थे। बाबा साहब तो कई बार अकेले पड़ गए, उनके पीछे कोई बहुत कारवां नहीं चला, उनके सामने तो उन्हीं के समाज के लोगों को विरोध में खड़ा कर दिया गया। जगदेव बाबू बिहार की जमीन है, बुद्ध जब सामने निकले तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध के खिलाफ कोई नहीं काम कर रहा था। इतिहास पढ़ना चाहिए कि बुद्ध के खिलाफ कौन लोग थे और कौन उनके विचारों और दर्शन के खिलाफ थे। भीड़ किसी विचार की क्रांति की शुरुआत में नहीं होती है। जब लोग पूछेंगे कि इतने लोग काफी नहीं, तो मैं कहूंगा कि इंकलाब के लिए एक शख्स भी काफी है, बशर्ते कि वो ईमानदार हो। तो आप तो इतने लोग खड़े, तो उनके भी हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब इस मुल्क में जंगे आजादी लड़ी जा रही थी तो पूरा मुल्क सड़कों पर नहीं था। इस इतिहास को भी यहां से दोहराने की जरूरत है। बहुत सारे लोग थे जो चुपचाप अपने घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे, गुलाम रहा भारत तो उसमें जी लेंगे, आजाद हुआ तो उसमें जी लेंगे, वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और बहुत सारे लोग वो भी थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, लेकिन थोड़े से लोग वो थे जो कुर्बानियां दे रहे थे, फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, गोलियां खा रहे थे, सड़क पर लड़ रहे थे। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ तो सब आजाद हो गए, वो भी जो गुलामी में जी रहे थे और वो भी जो चुपचाप दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। फर्क केवल इतना होता है, आपको और हमको अपनी जगह चुननी है। उन तानाशाहों के दरबार में जाकर झुक जाएं या चुपचाप अपने कमरे में बैठकर तमाशा देखें, या जुनून सामने ला करके ऐसे दीवानों की भीड़ में शामिल हो जाए कि गलत को गलत बोलेंगे और सही के लिए लड़ेंगे। आप सोचिए, एक प्रोफेसर को क्यों तैयार किया जाता है? अभी वेद भाई ने एक तो इतना इंटरव्यू यहां से ले लिए, ज्यादा माहौल तो बिहार ने बना दिया और मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मुझे भी असल में पता नहीं था कि मेरी नौकरी छीन ली जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा लोगों को, यह हमें नहीं पता था। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग उस पर कोई प्रतिक्रिया भी देंगे कि नहीं। लेकिन मैं आज इस पटना कॉलेज के मैदान से देश भर के उन हजारों लोगों को सलाम करना चाहता हूं जो आज की तारीख तक कब्रिस्त 500 से ज्यादा जगहों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों ने मिल करके हमें हिम्मत दी है। हमने कहा कि बिना किसी ऐसे लाग लपेट के अगर विचारों को इतना साथ मिल सकता है तो क्यों ना एक मुहिम छेड़ दी जाए। अगर इस देश में इतने लोग भी अगर जागरूक और ताकतवर हैं तो फिर इतने लोग तो बहुत हैं किसी भी तरह का बदलाव लाने के। और इसलिए हिम्मत मिली, निराश तो मैं भी हुआ और मेरे कलीग का आपने इंटरव्यू सुनाया, वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे। अच्छा, वो तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे इसलिए बहुत कुछ कह नहीं सकते, मैं तो इंटरव्यू से ढकेल के बाहर कर दिया गया हूं, तो जो नहीं कहना है वो भी बताऊंगा लोगों को। उन मूर्खों को इतना नहीं पता था कि अगर तुम्हें मुझे कंट्रोल करना था तो मुझे बुलाकर नौकरी दे दिए होते, मैं चुप हो गया होता। उन्हें ये पता ही नहीं कि आप हमें नौकरी न देकर हमारी बेड़ियों से आजाद कर दिए, अब तो हम खुल करके तुमको ललकारेंगे और तुम्हारे काले कारनामों को जनता को चल करके बताएंगे।
क्या होता है उस इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो वहां सारे लोग जानने पहचानने वाले, जो इंटरव्यू लेने आने वाला सब जानते पहचानते, जितना नहीं जानना चाहिए उससे ज्यादा जानते थे। यही तो मुश्किल थी क्योंकि वो जेब में पर्ची लेकर आए हुए थे। और जैसे ही मैं पहुंचा मुझसे कहा गया कि आइए बैठिए, आप तो सबसे पुराने यहाँ के शिक्षक हैं। मैंने कहा जी। तो कहे कि इस कॉलेज में आपको क्या मिला। मैंने कहा इस कॉलेज ने मुझे गढ़ा है, बनाया है, रचा है, क्योंकि मैं एमए करके 21.5 साल में वहां प्रोफेसर बन गया था। और मैं पहले कभी नहीं बताया लेकिन अब तो हर जगह बताऊंगा। बहुत सारे लोग उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मंडल आंदोलन का विरोध करते थे, ये कहकर कि यहां पर मेरिट से कंप्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर आरक्षण लागू हो गया तो कम प्रतिभावान लोगों को प्रोफेसर बना दिया जाएगा। तो दुनिया के जो टॉप 100 में 100 के 100 विश्वविद्यालय भारत के हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ऐसी उनकी चिंता थी। ये तो बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया के 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई है ही नहीं, यहां रिजर्वेशन तो था ही नहीं रे भाई, तो तुम्हारे विश्वविद्यालय दुनिया के रैंकिंग में क्यों नहीं थे। असल में वो मेरिट की चिंता नहीं कर रहे थे, उनको डर इस बात का था कि जिसे उन्होंने मां सरस्वती का पावन प्रांगण बनाया था उसमें अगर इस देश के दलित पिछड़े कमेरा वंचित शोषित गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाएंगे तो वो विश्वविद्यालय डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे, फिर इस देश को बर्बाद कैसे किया जाएगा और गुलाम कैसे बनाया जाएगा। इसलिए वो आरक्षण का विरोध मेरिट के नाम पर कर रहे थे। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल विरोधी आंदोलन के लिए क्रांति चौक बनाया गया था कि हमें बेरोजगार वहां पर लोग नहीं चाहिए, और मंडल विरोधी आंदोलन चला। तो उसी विश्वविद्यालय के लोगों से मेरा एक सवाल है, आज उस विश्वविद्यालय में एक गोल्ड मेडलिस्ट को 100 में 96 नंबर वाले एपीआई वाले को उस नौकरी से निकाला जा रहा है और 100 में 52 नंबर वाले को वहां प्रोफेसर बनाया जा रहा है। बताओ तुम मेरिट की चिंता करने वालों कहां सोए हुए हो, कहीं नाली के गैस से चाय बनाने में लग गए हो क्या भाई। अगर मेरिट की चिंता होगी तो चिंता होगी ना विश्वविद्यालयों की कि खराब मेरिट वाले क्यों प्रोफेसर बनाए जा रहे। और तब वो सारे लोग जो अपने पर्ची लेकर के आते हैं, अब इस इंटरव्यू का खेल समझिए, इस बात को बताना जरूरी है, कोई मेरिट का इम्तिहान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको इस कॉलेज से क्या मिला। हमने कहा कि इस कॉलेज ने हमें बनाया है, विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है। और मैं तो किताब एक लिख रहा हूं बाकायदे 14 साल के अपने पूरे जीवन पर, और उसका नाम ही मैंने रखा है ठेके पर प्रोफेसर। और सारा कहानी किस्सा उस किताब में मैं सिलसिलेवार लिखूंगा। और वो कोई खुशी का किस्सा नहीं, इन 14 वर्षों में हमने अपनी आंखों से इन विश्वविद्यालयों को खंडहर बनते देखा है, इसलिए हम उसका किस्सा दुनिया को सुनाने के लिए वो किताब लिखना चाहते हैं। और क्यों ऐसा हुआ, मेरे कॉलेज में तो मुझसे डर कर पता नहीं क्यों 14-15 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे आगे पीछे वालों को तो 2-2 मिनट का इंटरव्यू लिया। आप जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में, आपसे कहा जाएगा कि अपना परिचय दीजिए। अरे परिचय तो तुम्हारे सामने रखा रहता है, फिर भी परिचय दीजिए। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा आप किस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं बताइए। आप 1.5 मिनट 2 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपका भविष्य उज्ज्वल है, आपके ललाट पर दिख रहा है कि एक ना एक दिन आएगा जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे, फिलहाल हम आपको नौकरी नहीं दे रहे, जाइए आपको शुभकामनाएं। ये इंटरव्यू हो रहा। अब आप सोचिए ना, एक दिन में 100 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, वो 100 लोगों का चेहरा भी याद रहेगा क्या जब आखिरी दिन वो रिजल्ट बना रहे होंगे। रिजल्ट यहां पहले से बन चुका होता है, वहां पर केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। मैं बार बार चिंता कर रहा हूं कि वो कहां गए देश के बचाने वाले लोग जो मंडल आंदोलन का आरक्षण का विरोध करते थे। आपके यूनिवर्सिटीज में बेहद घटिया लोग अब प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जिसकी सेटिंग है, जिसकी रिश्तेदारी है, जो विचारधारा से उनका है, जिसका नाम वहां से है, वो सारे लोग वहां प्रोफेसर बन रहे हैं। मैं तो दावे से कह रहा हूं मेरे प्रिंसिपल की भी CBI जांच कराई जाए कि वो रोज शाम को कौन सी शाखा में जाता है। और मैं एक बात कहता हूं, आप शाखा में जा रहे हो इससे हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि विश्वविद्यालय जिसका नाम ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स से बना हुआ है,
ग्लोबल नॉलेज होता है ना वो, तो अगर कोई शाखा में गया व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का कुलपति और प्रिंसिपल बन सकता है, तो कोई शाखा विरोधी उस विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रिंसिपल प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी में कहीं भी आरएसएस का नाम नहीं लिखा हुआ है। वो तो डिग्री है ना, पढ़ाई लिखाई की मेरिट चेक करनी है ना। तो इससे चिंता किसी को नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, इस देश में कभी भी शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोई स्वर्ण युग नहीं रहा, कोई गोल्डन एरा नहीं रहा। पहले भी जिनकी सरकारें नहीं, उन्होंने भी बहुत घटिया अपॉइंटमेंट किए, उन्होंने भी विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया। पहले भी हमारे भी लोग जो सरकारों में होंगे वो भी विश्वविद्यालयों और शिक्षकों को लेकर के क्या नियम बनाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई स्वर्ण युग नहीं था, लेकिन जितना मिलकर के 60 साल में बर्बादी नहीं की गई होगी वो 60 महीने की बर्बादी कर दी गई है। अब ये 90 के बाद पहली बार इस देश के गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे विश्वविद्यालयों तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें केवल खंडहरों वाली इमारत मिलेगी। वहां विश्वविद्यालय का माहौल खत्म हो गया, सिलेबस बदल दिया। और अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, मैं तो इस लड़ाई को आगे आकर इसलिए लड़ना चाह रहा हूं कि अगर ये बात हम भी नहीं दुनिया को बोलेंगे तो यहां आप तो खैर पटना कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान हो, और इसलिए हमने चुना कि नौजवानों के बीच आएंगे। हम और आप ये बात जानते हैं, आप यहां पढ़िए बीए एमए करके पीएचडी में एडमिशन हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि 97% नौजवानों को हायर एजुकेशन मुहैया नहीं हो पाती इस देश में। केवल 3% नौजवान हायर एजुकेशन तक आ पाते हैं। जिस समय हम और आप यहां बैठे हैं उस समय हमारी उम्र का कोई व्यक्ति सड़क पर ठेला खींच रहा होगा, खेत में काम कर रहा होगा, कहीं मजदूरी कर रहा होगा, उसके हाथ तक कलम किताब पहुंची नहीं। हम 3% लोग हैं। और रिसर्च अगर एरिया तक जाएंगे या प्रोफेसर बनने तक जाएंगे तो वो आधा परसेंट पॉपुलेशन पूरे देश के नौजवानों की है। तो शिक्षा तो आज यहां पर खड़ी है, और उस तरह के लोगों की बात आधा परसेंट वाली सच्चाई को अगर 99% के समाज को बताया नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि विश्वविद्यालय को बर्बाद करके क्या जा रहा है। मैं वहां विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई कर रहा था, वहां कंपटीशन का तैयारी करने वाले लोग हुआ करते थे, 10x10 का कमरा जिसमें आदमी और हवा पाने के लिए एक ही रास्ता होता है, कोई खिड़की नहीं, धूप वहां आती नहीं, और चुपचाप उस 10x10 के कमरे में एक कोने में किचन होता है, एक कोने में बेडरूम होता है, एक कमरे में ड्राइंग रूम होता है, और एक कोने में स्टडी रूम होता है, एक ही कमरे में उनका पूरा घर बसा होता है। ऐसे जगहों पर गरीब कमजोर घरों के लोग निकल कर जब पढ़ाई करने आते तो वहां पर पता चला कि अगर हम वहां पर नई नौकरी मिले तो घर वाले थोड़े ये समझेंगे कि सिस्टम खराब है, वो तो यही सोचेंगे कि हमारा बेटा बेटी खराब है, दुनिया को नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्ही को नहीं नौकरी मिल रही, तुम कहते हो सिस्टम में खराबी है। मेरे घर वाले भी यही कहा करते थे, परमानेंट नहीं हो रहा है, इसी में कोई कमी होगी। ये बात बताइए कि आप अगर कामयाब नहीं हुए तो कौन मानेगा कि सिस्टम खराब है? सब लोग तो यही कहेंगे तुम्हारे में कमी होगी। हम इस देश और दुनिया को बनाना चाहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया गया है।